हेलो माय डी स्टूडेंट्स आपका पुनः इस नए वीडियो में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में आपको गणित का पेपर कक्षा ओवी विषय गणित का वार्षिक पेपर का सेट ए जो वाला जो आपका पेपर है उसका मैं आपको फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं प्रश्न एक से छब्बीस तक के पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तो सबसे पहले आप पेपर को देख कर मिलान कर लीजिए कि यही पेपर है कि नहीं आपका तो सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका पेपर है पेपर को देखकर आप सबसे सब पहले मिलान कर लीजिए फिर देखिए प्रश्न पाँच संगजोड़ी प्रश्न छः प्रश्न सात प्रश्न आठ प्रश्न नौ प्रश्न दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस प्रश्नों को देखकर मिलान कर लीजिए तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस तो आपने प्रश्न पत्र मिलान कर लिया अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरह तो देखिए सो में से नंबर लेने के लिए पूरा हल ए टू जेड में आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ सो में सो नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे दिक्कत लेने की बात नहीं है कोई भी तो आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर प्रश्न क्रमांक में आ, एक में आपको सही विकल्प दिखा है तो हम सही विकल्प को उत्तर तो देखते हैं तो देखिए पहले में उत्तर आएगा आपका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है हेलो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं घबराइए मत सबका सलूशन है डाउट नट बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो सी का हो यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एम या अदर बोर्ड का हो चाहे आई आई टी जेई नेट या छठी से बारहवीं तक का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जी सर एनजी सर आकांक्षा मैम प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर तीन करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाइए इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप तो देखिए पहले में उत्तर आएगा आपका ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी वाई टू दूसरे में उत्तर आएगा आपका सिक्स ए स्क्र तीसरे में उत्तर आएगा टू पाई आर स्क्र चौथे में उत्तर आएगा माध्य पाँचवें में उत्तर आ जाएगा बहुलक तो यह आपका आंसर हो जाएंगे तो आप इनको देख कर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप वीडियो के साथ साथ अपने कॉपी में लिखते जाइए तो आप वीडियो के साथ साथ अपने कॉपी में लिखते जाइए तो आप इतना देख लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट एक आंसर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दो की तरफ प्रश्न क्रमांक दो में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं तो देखिए पहला आपको दिया है एक बटे तीन बराबर से यहाँ पर आपको खालिस्तान दिख रहा होगा कि इस खालिस्तान में आपको बताना है क्या आएगा में अच्छे तो देखिए खालिस्तान में आपको भरना है दो खालिस्तान में क्या भरना है आपको दो भरना है उसके बाद देखिए दूसरा दिया आपको सो वटे चार बराबर से खालिस्तान में क्या आएगा तो खालिस्तान में आएगा पच्चीस तो यह आपको उत्तर भरना है तीसरे में आंसर आएगा एक चौथे में उत्तर आएगा से अंत कोण और पाँचवें में उत्तर आएगा साठ अंश तो यह आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए प्रश्न क्रमांक तीन में आपको सत्य सत्य चुनकर लिखना है तो पहला सत्य आएगा दूसरा असत्य आएगा तीसरा भी असत्य आएगा चौथा सत्य आएगा और पांचवा असत्य आएगा तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है तो देखिए पहला का उत्तर आएगा रेखिक बहुपद दूसरे का उत्तर आएगा त्रिपदी बहुपद तीसरे का उत्तर आएगा चतुर्थांश चौथे का उत्तर आएगा मूल बिंदु और पांचवे में उत्तर आएगा तीन सौ साठ अंश अब देखिए प्रश्न क्रमांक पाँच में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है तो देखिए पहला आपको दिया है वर्क परिमाप तो वर्क परिमाप बराबर से होता है चार गुणित भुजा दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर से होता है भुजा का वर्ग तीसरा त्रिभुज का परिमाप बराबर से होता है तीनों भुजाओं का योग चौथा आयत का क्षेत्रफल बराबर से होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और आयत का परिमाप बराबर से होता है दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई तो ये आपका सही जोड़ी के आंसर हो जाएंगे आप इन्हें अपने कोप में लिख लीजिए अब देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आप प्रश्न नंबर पर यहाँ पर जो आपको प्रश्न नंबर दे रहा है आपको इन पर ध्यान नहीं देना है आपको डायरेक्ट प्रश्नों को देखना है तो देखिए प्रश्न हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न छवा हमें दिया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण दो कोमा चार तीन कोमा ऋण एक एक कोमा दो और ऋण तीन कोमा ऋण पाँच स्थित है तो देखिए सबसे पहले बिंदु ऋण दो कोमा चार ध्रुती चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि द्रुतीय चतुर्थांश में ऋण और धन वाली संख्या आती है यहाँ पर जो बिंदु है ऋण और धन वाली संख्या सबसे पहले ऋण आया है और उसके बाद धन वाली संख्या आई है तो ऋण और धन वाली संख्या होती है ध्रुती चतुर्थांश में स्थित दूसरा बिंदु हमारा है धन और ऋण वाला तो धन और ऋण वाला आता है चतुर्थ चतुर्थांश में तो आप आंसर लिख देंगे बिंदु तीन को ऋण एक चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है इसके बाद धन धन वाली संख्या है तो धन-धन वाली संख्या प्रथम चतुर्थांश में आती है फिर ऋण और ऋण वाली संख्या तृतीय चतुर्थांश में आती है तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है आकृति में यदि यहाँ पर देखिए आपको एक आकृति दिया है याली आकृति में यदि धन बाय बराबर से w धन z है तो सिद्ध कीजिए ए एक रेखा है तो देखिए इसका हल में आप लिखेंगे एक बिंदु पर बने चारों कोणों का योग क्या होता है तीन सौ साठ अंश होता है अतः है ना अर्थात चारों कोणों का योग बराबर से क्या हो जाएगा चारों कोण कौन को कौन से हैं एक्स है एक धन बाय धन डब्लू धन जेड बराबर से क्या हो जाएगा तीन सौ साठ अंश हो जाएगा अब देखिए चूंकि दो कोणों का योग बराबर से दो कोणों का योग होता है अर्थात एक्स धन बाय बराबर से क्या हो जाएगा डब्लू धन जेड तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक धन बाय धन एक धन बाय वरावर्स क्या आएगा तीन सौ साठ तो एक और एक जोड़ कर क्या होगा हो जाएगा और बाय और बाय जोड़कर दो बाय हो जाएगा तो दो एक धन दो बाय वरावर्स के हो जाएगा तीन सौ साठ वटा दो तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा दो से कट गया तीन सौ साठ कितने कटा? बार कटा एक सौ अस्सी बार कट गया और यहाँ पर दो से यहाँ पर दो कट गया तो क्या आएगा एक धन बाय बरावर्स से आएगा एक सौ अस्सी आ जाएगा अतः ए ओ वी एक ए ओ वी एक सरल रेखा है यह आपका सिद्ध हो जाएगा यह प्रूव हो जाएगा अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु का बकरी पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिरक ऊंचाई दस मीटर और आधार त्रिज्या सात मीटर है अर्थात यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको तिरक ऊंचाई तिरक ऊंचाई को हम क्या के कहते हैं लंबाई कहते हैं लंबाई एल का मान क्या है दस मीटर है और यहाँ पर आधार त्रिज्या त्रिज्या आर का मान कितना है सात मीटर है तो आपको एल एल और एर आर की सहायता से आपको शंकु का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल तो देखिए पाई का मान क्या होता है बाईस बटे सात होता है है न बाईस बटे सात होता है और आर का मान आपको दिया है सात दिया है और रेल का मान आपको दस दिया है तो देखिए सात से सात कट गया तो बचा क्या बचा आपके पास बाईस गुड़ी दस तो देखिए बाईस गुड़ी दस बराबर क्या हो जाएगा दो सौ बीस दो सौ बीस हो जाएगा और यहाँ पर मीटर अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल तो जब भी क्षेत्रफल आता है आपको याद रखना है जब भी क्षेत्रफल आता है तो उसकी इकाई में वर्ग लग जाता है तो यहाँ पर मीटर का वर्ग हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा 220 बीस वर्ग मीटर या फिर मीटर का वर्ग हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोवे क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 31 से 35 की निम्न सीमा और उच्च सीमा या फिर ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए तो देखिए वर्ग अंतराल 31 से 35 में जो इसकी निम्न सीमा है निम्न सीमा होगी 31 और उच्च सीमा होगी 35 तो आपने यहाँ आप पर उत्तर में लिख दिया निम्न सीमा बराबर से 31 और उच्च सीमा पैतीस तो यह आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको दिया है बारह सो पंद्रह में तीन का भाग दीजिए तो देखिए हम देते हैं बारह सो पंद्रह में तीन का भाग तो देखिए यहां पर आपने लिख लिया है ना बारह सो पंद्रह भागे तीन तो देखिए सबसे पहले हम शुरू की दो संख्या लेंगे तो देखिए क्या होता है तीन का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि बारह से आगे ना बढ़े तो देखिए तीन चौ बारह होता है तो हमने आप पर लिख दिया चार तो तीन चौ बारह हो गया है ना तीन चौ कितना हो गया बारह हो गया तो बारह में से बारह गया कितना हो गया जीरो जीरो हो गया इसके बाद हमने अगली दो संख्या उतार लिए तो तीन का है ना इसके बाद हमने नेक्स्ट संख्या उता उतारे क्या उतारे हमने एक उतारे तो देखिए एक में तीन का भाग नहीं आता है तो जब भाग नहीं आता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जीरो तो इसके बाद हम अगली संख्या उतार लेते हैं पाँच तो देखिए तीन का पहाड़ा ऐसा पाड़ो कि पंद्रह से आगे ना बढ़े तो तीन पाछी क्या होता है पंद्रह होता है तो पंद्रह हो गया पंद्रह में से पंद्रह गया जीरो जीरो आ गया शेषफल कितना आ गया जीरो और आपका भागफल आ गया चार सौ पाँच तो यही आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित पर बहुपद पाँच एक्स ऋण चार एक्स का वग धन तीन का मान ज्ञात कीजिए पहला एक्स बराबर जीरो पर दूसरा एक्स बराबर ऋण एक पर तो आपको करना क्या है सिंपली से पहली कंडीशन में आपको जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर आपको एक्स का मान जीरो रख देना है तो देखिए हमें बहुपद पी एक्स बराबर के दिया है पाँच एक्स ऋण चार एक्स का पर्खन तीन तो देखिए सबसे पहले हम पहली कंडीशन में एक्स बराबर जीरो पर मान रख देते तो देखिए पी एक्स का मान जीरो जहाँ जहाँ जी एक्स दिख रहा है वहाँ पर ज़ीरो रख दो तो देखिए पाँच एक्स का मान जीरो ऋण चार एक्स के स्थान पर जीरो तो जीरो का वर्ग धन तीन तो देखिए पाँच शून्य शून्य सुन, चार में जब जीरो का गुणा होगा तो जीरो ही आएगा धन तीन का धन तीन तो आंसर क्या आएगा आपके पास बी जीरो बराबर से तीन यही आपका उत्तर हो जाएगा पहली कंडीशन का अब दूसरे में आपको जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर ऋण एक रख देना तो देखिए पी एक्स के स्थान पर ऋण एक बराबर से पाँच एक्स के स्थान पर ऋण एक ऋण चार एक के स्थान पर ऋण एक का वर्ग धन तीन तो देखिए पाँच गुड़ित ऋण एक बराबर से ऋण पाँच ऋण चार ऋण एक का वर्ग होता है धन एक धन तीन तो ऋण पाँच ऋण चार गुणित एक बराबर से ऋण चार धन तीन तो देखिए ऋण पाँच और ऋण चार ऋण ऋण वाली संख्या है तो ऋण ऋण जुड़ता है और जो संख्या जो चिन्ह आता है वह बड़ी संख्या का आता है तो देखिए पाँच सौ चार जोड़कर हो गया नौ और बड़ी संख्या के सामने क्या है ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे धन तीन तो देखिए ऋण धन ऋण होता है अर्थात ऋण और धन जुड़कर घट ऋण और धन आपस में घटता है तो देखिए नौ में से तीन गया कितना आएगा छः आएगा और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो हमने ऋण का चिन्ह लगा दी तो यही आपका उत्तर हो जाएगा अब देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी सी डी समांतर ई एफ और बाय अनुपात जेड बराबर से तीन अनुपात सात है तो यहाँ पर आपको एक्स का मान ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर आपको यह आकृति दी है यह आपको आकृति दी है तो देखिए यहाँ हम इसे हल करते हैं तो देखिए ए बी समांतर सी डी कोमा सी डी समांतर ई एफ चूँकि ए समांतर हमें कि दिया है ई एफ दिया है तो देखिए क्या आएगा जाएगा एक्स धन बाय बराबर से एक सौ अस्सी अंश हो जाएगा समीकरण एक क्योंकि तीरक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का को योग क्या होता है एक सौ अस्सी होता है चूँकि ए समांतर ई एफ दिया है तो चूँकि एक्स बराबर जेड एकांतर कोण तो कुछ इस प्रकार से आप सवाल को हल कर देंगे है ना इस प्रकार से आपको सवाल को हल कर देना है फिर इसके बाद आपको समीकरण दो से लेकर यहाँ तक आपको सवाल को हल कर देना है तो यह आपके पास एक्स का मान निकल कर आ जाएगा 126। अब देखिए इसी पे का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि एक समानता चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है तो देखिए इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है दिया है इसे लेकर सबसे पहले आप यहाँ तक लिख दीजिएगा कॉपी में ये क्या समीकरण एक हो गया सी पी सी टी से अब यहाँ से आपको इतना पूरा हल कर लेना है इतना पूरा हल कर लेना है तो फाइनली आपके पास सिद्ध हो जाएगा अतः ए बी सी डी एक आयत है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा अब देखिए प्रश्न सोलवा में आपको जोड़ना है पहला सवाल आपको दिया है जीरो दशमलव पैंतालीस जीरो दशमलव चार पाँच में आपको तीन दशमलव जीरो चार को जोड़ना है और दूसरा जीरो दशमलव सात पाँच में आपको एक दशमलव तीन तीन को जोड़ना है तो देखिए पहले सवाल में आपको क्या करना है जीरो दशमलव चार पाँच में आपको तीन दशमलव जीरो चार को जोड़ना है तो देखिए हम जोड़ते हैं दाई तरफ से हम जोड़ना चालू करते हैं तो देखिए पाँच और चार क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा चार और जीरो चार हो जाएगा दशमलव का दशमलव और जीरो और तीन क्या हो जाएगा तीन तो उत्तर क्या आएगा तीन दशमलव चार नौ दूसरा में आपको जीरो दशमलव सात पाँच में आपको एक दशमलव तीन तीन को जोड़ना है तो देखिए हम जोड़ते हैं दाई तरफ से जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो देखिए पाँच और तीन क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा सात और तीन दस का जीरो हासिल का यहाँ पर एक हो जाएगा तो एक और जीरो एक होता है और एक एक क्या हो जाएगा दो हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा दो दशमलव जीरो आठ आपका आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कोष्टक में चार ए ऋण दो बी ऋण तीन सी का होल वर्ग का प्रचार कीजिए तो देखिए चार एंड दो बी ऋण तीन सी का होल वर्ग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बड़े कोष्टक में चार धन कोष्टक में ऋण दो बी धन कोष्टक में ऋण तीन सी का होल वर्ग तो यहाँ पर एक सर्वसमिका लग जा रही है ए धन बी धन सी का होल वर्ग बराबर से होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन दो ए धन दो बी सी धन दो सी ए तो हम याली सबसे मिका के प्रयोग में एक का मान हम रख देंगे चारे बी का मान रख देंगे ऋण दो बी और सी का मान रख देंगे ऋण तीन सी अर्थात आपको के स्थान पर चार रख देना है बी के स्थान पर ऋण दो भी रख देना है और सी के स्थान पर आपको ऋण तीन सी रख देना है तो हम रख देते हैं मान तो यहाँ पर लिख देंगे चारे ऋण दो भी ऋण तीन सी का होल वर्ग बराबर से आएगा के स्थान पर चारे का वर्ग धन बी के स्थान पर ऋण दो बी का होल वर्ग धन सी के स्थान पर ऋण तीन सी का होल वर्ग धन दो इन्टू चार इंटू ऋण दोवी धन दो इंटू ऋण दो वी इंटू ऋण तीन सी धन दो इंटू ऋण तीन सी इंटू चार ए तो पूरा सोल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा सोलह ए का वर्ग धन चार बी का वर्ग धन नौ सी का वर्ग ऋण सोलह ए वी धन बारह सी बी सी धन ए वो ऋण चौबीस ए सी तो यही आपका उत्तर हो जाएगा तो आप इतना भी स्क्रीन ले लीजिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तिक तल के बिंदु के रूप में आलेखित कीजिए यहाँ पर देखिए कॉलम दिए हैं एक्स का मान ऋण तीन जीरो ऋण एक चार और बाय का मान सात ऋण तीन दशमलव पाँच ऋण तीन और चार तो देखिए आपको वहाँ पर यहाँ पर बिंदु के रूप में आलेखित करना है यहाँ पर आपको दर्शाना है आलेख के रूप में तो देखिए यहाँ पर पहली यहाँ पर एक रेखा होती है बाय और बाय डेस और दूसरी क्षेत्रीय रेखा होती है एक्स और एक्स बेस तो यहाँ पर होती है धन वाली संख्या यहाँ पर भी होती है धन वाली संख्या यहाँ पर ऋण वाली संख्या और यहाँ पर भी ऋण वाली संख्या तो कुछ इस प्रकार से आपको आलिखित कर देना है पहला आपको दिया था ऋण तीन कोमा सात तो देखिए ऋण और धन वाली संख्या आती है द्वितीय चतुर्थांश में तो सबसे पहले हम ऋण तीन वाली संख्या लेते हैं तो देखिए ऋण तीन कहाँ पर है यहाँ पर है तो हम ऋण तीन को मिलाते हैं फिर सात कहाँ पर है सात यहाँ पर तो है तो हम सात को यहाँ पर मिला देते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऋण तीन को हम सात दूसरी संख्या में कि दी है जीरो और ऋण तीन दशमलव पाँच तो देखिए जीरो धन वाली संख्या है और ऋण तीन दशमलव पाँच ऋण वाली संख्या है तो धन और ऋण कहाँ पर आता है धन और ऋण आता है चतुर्थ चतुर्थांश में ये ये पहला चतुर्थांश होता है ये द्वितीय चतुर्थांश होता है ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है तो देखिए यह हो जाएगा आपका है ना तो इस प्रकार से आपको आलेखित कर देना है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एवीसी में कौन एक समद्विभाजक, एडी भुजा बी सी पर लंबा है दर्शाए कि ए बी बराबर से ए सी और त्रिभुज एवीसी समिभा हुआ है तो देखिए यहाँ पर आपको आकृति दी है त्रिभुज ए बी सी तो आप यहाँ पर इस प्रकार से हल कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो जाएगा अतः त्रिभुज ए बी सी संधिवाहु है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीव को संधिभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीव पर लंब होती है तो देखिए यहाँ पर आपको आकृति दी है तो आपको सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पर आपको दिए गए ऐसे लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है तो यहाँ पर कोण ए पी ए बराबर से कोण ओ पी वी बराबर से क्या आएगा नब्ब्यांश हो जाएगा तो आपका आंसर जाएगा कि पर लंब होती है अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्या है साठ अंश का कोण बनाकर उसके संधिभाजक की रचना करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना है और कुछ इस प्रकार से आपको रचना के पद लिख देना है तो अतः यहाँ पर क्या आएगा किरण ओडीएम साठ अंश के, के कोण की संधिभाजक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक समिभाविक त्रिभुज का परिमाप तीन तीस सेंटीमीटर है और उसकी बराबर बुझाए बारह सेंटीमीटर लंबाई की है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए तो इस प्रकार से आपको सवाल को सोल्व कर लेना है यहाँ से यहाँ तक तो यह आपका उत्तर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए है ना आपको का मान ज्ञात करना है जिसका पृष्टीय क्षेत्रफल कितना है एक सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ आप पर आपको क्या दिया सबसे पहले आपको दिया है गोले का पृष्टि क्षेत्रफल बराबर से दिया है एक सौ चौवन सेंटीमीटर का वर्ग तो देखिए गोले का पृष्टी क्षेत्रफल का सूत्र होता है चार पाई आर का वर्ग बराबर से यहाँ पर कित दिया है एक सौ चौवन तो हमें हमें यहाँ पर आर का मान निकालना है तो देखिए हम आर का मान निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं आर का वर्ग बराबर से क्यों जाएगा एक सौ चौवन इधर वाला पाई इधर बटे में चल जाएगा तो देखिए आर का वर्ग बराबर से एक सौ चौवन है ना बटे चार गुणित पाई का मान क्या होता है बाईस बटे सात तो बटा सात ऊपर में गुणा में हो गया तो यहाँ पर आप काटा पीटी कर देंगे इस प्रकार और आर का मान कितना निकल कर आएगा आर का मान निकल कर आएगा तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसका आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दंड आलेख बनाना सबसे पहले तो इस प्रकार से आपका दंड आलेख बनेगा और यहाँ पर सेकंड आंसर आ जाएगा पार्टी ने अधिकतम सड़तीस सीटें जीती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई तीस गेंद में छह बार चौका मारती है चौका नाम आ जाने की प्रकृत याद कीजिए तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे अतः चौका मार जाने की प्रयक्ता पर आप छवटे तीस अतः चौका ना मार जाने की प्रयत्ति बराबर आएगी एक में से हम पी को घटा देंगे तो एक ऋण पी का मान क्या है एक बटे पाँच तो यहाँ पर आप सोल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा चौका ना मार जाने की प्रैक्ति कितनी आएगी चारों बटे पाँच आ जाएगी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है दो यहाँ पर इनके परिमाप ज्ञात करना है तो देखिए पहला चित्र आपका आयत का चित्र है तो देखिए सबसे सब पहले हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं आयत का परिमाप बराबर से क्या आएगा चारों भुजाओ का योग तो देखिए नौ धन नौ धन यहाँ पर भुजा क्या है नौ नौ पाँच पाँच तो देखिए नौ धन नौ धन पाँच धन पाँच बराबर क्या आएगा अट्ठाईस सेंटीमीटर और दूसरा हमें वर्ग दिया है तो देखिए हम वर्ग परिमाप निकालेंगे तो हम चारों भुजा को जोड़ देंगे तो छः 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 बरावर्स क्या आएगी चौबीस सेंटीमीटर हो जाएगी अब प्रश्न पच्चीस में देखिए आप, आपको दो सवालों को जोड़ देना है यहाँ पर आपको इनको जोड़ना है तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल दो बटे पाँच धन एक बटे पाँच तो देखिए सबसे पहले हम हर में लघुत्तम लेते हैं लघुत्तम क्या आएगा पाँच तो देखिए पाँच एक कम पाँच पाँच एकम पाँच और एक में दो का गुणा तो दो धन पाँच एकम पाँच और एक में एक का गुणा तो एक तो दो एक की हो जाएगा तीन हो जाएगा और पाँच का पाँच बटे में पाँच हो जाएगा दूसरा देखिए यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा दस बटे में दस लघुत्तम आ जाएगा दो पाँच दस पाँच एक कम पाँच हो जाएगा धन पाँच दूनी दस दो में एक का गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा है ना पाँच धन दो बराबर से आएगा सात तो सात बटे दस आपका आंसर आ जाएगा आखिरी सवाल का आंसर आप देख लीजिए पहले सवाल हमें दिया था आरोही क्रम में यहाँ आप पर तो आपको लिखना है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम अर्थात यहाँ पर संख्या जो है बढ़ते हुए क्रम में रहती है सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या और फिर, फिर सबसे बड़ी संख्या तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी एक दशमलव छः उससे बड़ी एक दशमलव नौ उससे बड़ी चार दशमलव पाँच उससे बड़ी पाँच दशमलव एक और सबसे बड़ी पाँच दशमलव चार हो जाएगी इसी प्रकार से अवरोही क्रम में अवरोही सब अब्रोह क्रम हो, होता है घटतो क्रम अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है आठ दशमलव चार फिर उससे छोटी है चार दशमलव नौ उससे छोटी चार दशमलव आठ उससे छोटी चार दशमलव सात और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दो दशमलव तीन तो यह आपका आंसर हो जाएगा तो सारा मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया हूँ प्रश्न एक से छब्बीस तक का पूरा सोल्यूशन बता दिया हूँ उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड को शेयर करिएगा कमेंट कर बताएगा वी वीडियो को ऐसा लगा तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जे भारत